हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक्स इज सेम एज द मीन लाइफ टाइम ऑफ अनदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट वाई। ओके, इनिशियली बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, देन ए में गिवन है कि एक्स एंड वाई हैव द सेम डिके रेट इनिशियली, बी में गिवन है एक्स एंड वाई डिके एट द सेम रेट ऑलवेज, सी में गिवन है वाई विल डिके एट फास्टर रेट देन एक्स, एंड डी में गिवन है एक्स विल डीके एट ए फास्टर रेट दैट वाई। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट विल बी, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा दैट इज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। ठीक है, सो हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, दैट इज टी हाफ। ठीक है, टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है एलेन ऑफ टू दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड एवरेज लाइफ टाइम। ठीक है, सो एवरेज और यू कैन से मीन लाइफ टाइम क्या होता है। ठीक है, इसको हम टी एवरेज से डिनोट करेंगे, टी एवरेज। ठीक है, सो टी एवरेज क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, जहां पर लैम्डा इज डीके कांस्टेंट। नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हाफ लाइफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मीन लाइफ टाइम ऑफ वाई। ठीक है, सो टी हाफ ऑफ एक्स एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ वाई एलिमेंट। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स। ठीक है, हमने डीके कांस्टेंट ऑफ द एक्स एलिमेंट हमने मान लिया कि दैट इज लैम्डा एक्स, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा एक्स क्या हो जाएगा, 0.693 लैम्डा वाई। ठीक है, और यहां से हम बोल पाएंगे कि लैम्डा वाई क्या है, लैम्डा वाई इज ग्रेटर देन लैम्डा एक्स। ठीक है, सो द डीके कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ द वाई एलिमेंट इज ग्रेटर देन द डीके कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स। ठीक है, ना हम क्या जानते कि रेट ऑफ डीके ठीक है, ये क्या होता है, दैट इज माइनस ऑफ dN बाय dt। ठीक है, ये किसकी इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन नॉट। ठीक है, एन नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, एन नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ना क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ वाई ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल पाएंगे कि माइनस डी एन बाई डी टी दैट इज रेट ऑफ द डीके इज प्रोपोर्शनल टू लैमडा दैट इज डीके कॉन्स्टेंट। ठीक है, नाउ लैमडा ऑफ वाई इज ग्रेटर देन लैमडा ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां पर हम बोल पाएंगे कि माइनस डी एन बाई डी टी दैट इज रेट ऑफ डीके इन केस ऑफ वाई विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ डीके ऑफ एक्स। ठीक है, सो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज वाई विल डीके एट ए फास्टर रेट देन एक्स। ठीक है, क्योंकि डीके रेट ऑफ डीके वाई का ज्यादा है, सो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि एक्स एंड वाई हैव द सेम डीके रेट इनिशियली। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि वाई का डीके रेट ज्यादा है। ठीक है, एक्स एंड वाई डीके एट द सेम रेट ऑलवेज, ये भी गलत है। एक्स विल डीके एट ए फास्टर रेट देन वाई। ठीक है, तो ये तो एकदम गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक।